देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संत प्रसाद शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित अधिकारी और किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कृषि की विधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक संत प्रसाद ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि जीविकोपार्जन का भी एक साधन है। उन्होंने कहा कि कृषि सम्मान दिवस के अवसर पर जिन किसानों ने अच्छी खेती की, मत्स्य पालन, गाय पालन, बकरी पालन, स्ट्रॉबेरी की खेती की, गेहूं तथा केला की खेती अच्छी की है, उन किसानों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका हौसला बुलंद हो तथा वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खजनी के विधायक संत प्रसाद तथा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा। स्वागत अभिनंदन है। मैं उप कृषि निदेशक गोरखपुर महोदय से अनुरोध करता हूँ द्वारा देश के महान चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है। ऐसे महान नेता जो आज जन्मतिथि पर जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत, आठ पर्व पर किसान भाइयों का स्वागत। जनपद के कृषि और कृषि से संबंधित जितने विभाग हैं उनके जनपद स्तरीय अधिकारी, एलडीएम साहब, पत्रकार बंधुओं और साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन हम हर साल किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन किसानों के हितों के प्रति समर्पित रहा। वही किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले महीनों में जब कोरोना के कारण पूरी अर्थव्यवस्था ठप थी, तब एकमात्र खेती किसानी ही ऐसा व्यवसाय था जो नहीं रुका। हमारे किसान भाई उसमें लगे रहे और किसी प्रकार के खाद्यान्न की कमी देश को नहीं होने दी। भारत सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान तमाम परिवारों को मुफ्त निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया, वो बिना हमारे किसान भाइयों के मेहनत, परिश्रम और सहयोग के संभव नहीं था। उन्हीं किसान भाइयों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हर साल हम चौधरी साहब के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि चौधरी साहब के जीवन से ये जन्मदिन से भी जुड़ा कार्यक्रम है, एक संक्षिप्त परिचय मैं उनके बारे में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। चौधरी साहब का जन्म 1902 में मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। 1923 में उन्होंने विज्ञान से स्नातक की उपाधि और फिर 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून के में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सबसे पहले वो छपरौली विधानसभा से चुनाव जीते थे और लगातार 5-6 साल तक में वो वहाँ से विधायक रहे, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्य सरकार गोविंद वल्लभन जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें वो संसदीय सचिव होने के साथ साथ राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, न्याय और सूचना विभाग का कार्य देखते थे।
1951 में मैं 1952 में डॉक्टर संपूर्ण आनंद के मंत्रिमंडल में और राजस्व कृषि मंत्री बने। 1960 में सीबी गुप्ता जी के मुख्यमंत्रित्व काल में वो गृह और कृषि मंत्री बने। सुचेता कटवानी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में वो कृषि मंत्री और वन मंत्री रहे। और 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार उन्होंने संभाला। 1977 में जब केंद्र में पहली बार कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। और फिर 1979 में वो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे और साथ में उन्होंने वित्त मंत्री का भी कार्यकाल संभाला था। इस पूरे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसानों के हित में कई कार्य किए, कई उल्लेखनीय कार्य किए। जैसे जमींदारी उन्मूलन विधेयक उन्होंने ही लागू किया था, भूमि सुधार लैंड सीलिंग एक्ट वही लेकर आए थे। और जब केंद्र सरकार में थे तो आज जिस बैंक को आप नाबार्ड के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना भी उनके सक्रिय योगदान से हुई थी। विकास जलगांव इन्होंने क्या उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, माननीय पाल सिंह जी द्वारा माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर के माल्यार्पण किया जा रहा है। अंगवस्त्र मान के इसे किसान श्री राम प्रताप सिंह गढ़हा विकास खंड के आने वाले हैं। इन्होंने सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गढ़हा के निवासी राम प्रताप सिंह जी को माननीय विधायक शहरनवा आदरणीय का सम्मान किया जा रहा है। अंगवस्त्र माल्यार्पण हमारे जिला कृषि अच्छा अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि सब पूर्वक महोदय से आपसे अनुरोध है कि आप महेंद्र पाल सिंह जी द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। श्री सर्वेश्वर राय माननीय सर्वेश्वर राय बहादुर के निवासी को माननीय विधायक सम्मान किया जाएगा। उनके आप हमेशा याद करेंगे कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर किसानों के नेता के जन्मदिन पर फला तिथियों ने हमको आपका पुनः सम्मान स्वागत अभिनंदन। हेमंत यादव, ये गाय दुग्ध उत्पादन में मेरा जिले में द्वितीय स्थान है, उसी के नाते सम्मानित किया गया है। चूँकि आज कितने गाय रखी है? 22 गाय हैं हमारे पास, 2.25 क्विंटल दूध है प्रतिदिन दैनिक। रहने वाले हम रामचौरा कैंपियरगंज ब्लॉक है मेरा। इंद्र प्रकाश सिंह, आज जो सम्मान मुझको मिला है वो रेड कैबिज पे। हम मुख्य रूप से आलू की, ग्रीष्मकालीन टमाटर, खीरा और गर्मी के लिए
हिट टैलेंट वैरायटी टोमेटो का। आज आपको मन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगे। जानीपुर के प्रधान देश है, प्रदेश है, कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही आधारित यहाँ के उद्योग धंधे 80% से ले लोगों के जीविका का मुख्य साधन खेती है। तो खेती पर ये कार्यक्रम जो है ये बहुत ही सराहनीय है। अधिकारियों से हमारा ये संदेश है कि वो इस तरह के कार्यक्रम को और मंडल स्तर पर इसको बढ़ावें और विकसित करें। किसान दिवस पर सम्मान किया गया, किसानों को क्या कहना चाहिए? इसी नाते सम्मानित किया गया कि किसान और जागरूक हों और आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। किस तरह के किसानों को सम्मानित किया गया? जो भी किसी भी उत्पादन में, चाहे कृषि के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, तेल के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, मछली पालन में, केला उत्पादन में, जितने भी प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं सबको सम्मानित किया गया। किसान दिवस क्या चाहेंगे? किसान दिवस एक सराहनीय कदम है। मैं चाहूँगा कि इस पर और ब्लॉक स्तर पर इसे मनाया जाए और किसानों को सम्मानित किया जाए, जिससे उनके अंदर जागरूकता आए, वो आगे बढ़ें। किसान दिवस आज माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जो उपलक्ष्य में जो किसान दिवस मनाया जाता है उसमें हमने 3 कैटेगरी में किसानों को सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पहली कैटेगरी में जो किए गए हैं 32 हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ईड जो है हाईएस्ट प्रोड्यूस की है। दो एक प्रथम पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार है। फिर एकल कैटेगरी में हमने 63 किसानों को किया गया और 2 महिला किसानों को किया गया जिन्होंने स्ट्रॉबेरी में एक अलग से प्रयास करके बहुत ही हाई ईड की प्रोडक्टिविटी की है। किसान दिवस पे सारे किसान भाइयों को हमारा यही संदेश है कि वो जो मेहनत करते हैं हम उसका सम्मान करते हैं और उनकी कोई भी समस्या है हम हल करने के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं।